Hey guys, welcome back to my channel. और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक छोटा सा स्किन केयर हॉल. इफ़ यू गाइज हैव बिन फॉलोइंग मी, आप लोग को पता होगा कि मेरी स्किन जो है प्रॉपरली बिहेव नहीं करी थी इन द मंथ ऑफ मार्च, और थोड़ा सा अभी भी मेरे फेस पर थोड़ा सा टेक्स्चर था एंड आई हैड टू गेट रिड ऑफ देम. सो उसके लिए मैंने ना थोड़ी सी शॉपिंग कर ली एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर माई सेल्फ टू ट्राई आउट और टू सी कि मेरे लिए वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, जस्ट ऑन माई फेस टू गेट रिड ऑफ ऑल दैट टेक्स्चर. सो लेट्स हॉप इनटू दिस वीडियो प्रीटी सून. बट आगे बढ़ने से पहले पता है आपको क्या करना है, आपको बस जाके सब्सक्राइब करना है इस चैनल को. सब्सक्राइब का एक रेड बटन इस वीडियो के बिल्कुल नीचे, उसको हिट करिएगा. उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल भी ऐसे ऐसे घंटी बनी है, उसको हिट करिएगा जैसे कि कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में डालूँ तो आप मिस ना करें. एंड विल बी अ बिग हैप्पी फैमिली. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ इज दिस. ये है डैजलर का रिहाइड्रेटिंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश, पपाया वाला. और ये है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, ये है सो फ्री, विच आई थिंक इज गुड इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन. जैसे कि मेरी है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, तो ये जो है स्किन को ड्राई आउट नहीं करती क्योंकि सोप नहीं है इसमें. एग्जैक्ट एक्चुअली इसमें सोप नहीं है. सो ये ना क्लेंस भी अच्छे से कर देता है, बहुत लाइट अमाउंट ऑफ सोप है तो क्लेंस अच्छे से कर देता है. एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फेस वॉश इज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ 65 रुपीज़ का है एंड यू गेट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट विच विल लास्ट यू एंटायर समर. ट्रस्ट मी, आप रोज़ भी फेस वॉश यूज़ करते हो ना अगर तो भी इट विल लास्ट यू एंटायर समर्स. बट फॉर पीपल लाइक मी, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर लिया, इट वॉज फिल्ड अप टिल द ब्रिम. तो बट फॉर पीपल लाइक मी हु डजेंट यूज़ फेस वॉशेज एवरी सिंगल डे, तो उनके लिए जो है ये और भी ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ इज़ दिस बैड बॉय राइट हेयर. ये है बायोटिक का डैंडिलियन विजिबली एजलेस सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एक्चुअली मैंने ना उनको रिंकल है ना, रिंकल सोनी, सो आई सॉ हर यूज़ दिस एंड आई वॉज लाइक, उन्होंने बोला था कि ये सब स्किन टाइप के लिए चलता है एंड इट इज़ वेरी गुड फेस सीरम. एंड मैंने कभी फेस सीरम ट्राई आउट नहीं किया था, सो दिस इज़ माई एक्चुअली फर्स्ट फेस सीरम एवर. सो दिस इज़ लिटरली अ वेरी टाइनी टीनी अमाउंट ऑफ, लाइक इट्स अ रियली स्मॉल बॉटल, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. लिटरली एक छोटी सी ड्रॉप विल कवर इंटायर फेस एंड नेक. और इसका जो स्मेल है ना वो थोड़ा सा कपूर वाली स्मेल आती है, थोड़ी सी कैम्फरी स्मेल है इसकी, बट कोई ओवरपावरिंग नहीं है, आराम से सबसाइड हो जाएगी. इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही यू नो पतला पानी जैसा है. व्हेन यू अप्लाई इट जस्ट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू योर स्किन एंड यू विल नॉट इवन फील कि आपने कुछ अपने फेस पे अप्लाई किया है. इसको आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम है बिफोर योर मॉइस्चराइजर यूज़ इट. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन स्किप योर मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो प्लीज़ मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट कर देती है. लाइक मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन को इसने थोड़ा सा ड्राई आउट किया है. सो या डू यूज़ अ मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस. सो इसलिए मैंने एक मॉइस्चराइजर भी यूज़ किया है, लिया है. एंड द मॉइस्चराइजर दैट आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ इज़ जोवीज का 30+ यूथ फेस क्रीम एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. हाँ मैं बूढ़ी हुई हूँ, आई विल बी 30, आई विल बी 29 दिस ईयर एंड आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर. सो आई इसलिए मैंने ये लिया है बिकॉज थोड़ा सा आई फेल्ट कि मेरे फेस पे जो है अब दिखने लगा दैट आई एम गेटिंग ओल्ड. सो आई गॉट दिस फॉर माई सेल्फ. इसका स्मेल जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, लाइक एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये ब्लैकबेरी एंड ग्रेप्स है इसमें. दिस इज़ दिस कंटेन्स SPF 16 एज वेल. सो आप इसको रात को नहीं यूज़ कर सकते, दिस इज़ अ डे क्रीम. एंड इसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स जो है सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है विच इज़ अबामा. बट आपको मिल जाता है 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इस ट्यूब में फॉर 330 रुपीज़. आई रियली लाइक द पैकेजिंग, ये मैट वाइट है एंड इट डजेंट लुक लाइक कि ये कोई बेकार सा ब्रांड है. जो विज इज़ अ वेल नोन ब्रांड, इट्स एन इंडियन ब्रांड बेसिकली. सो फॉर ऑल दोज हु से कि आप चाइनीज ब्रांड्स को प्रमोट करते हो, जी नहीं, मैं इंडियन ब्रांड्स को भी प्रमोट करती हूँ. बायोटिक भी इंडियन है एंड दिस इज ऑल्सो इंडियन. सो या जो विज का आई एम यूजिंग दिस 30+ क्रीम ऑन माई फेस टू गेट दैट यूथ. नेक्स्ट आई गॉट इज अ फेस स्क्रब फॉर माई सेल्फ. दिस वन अगेन इज फ्रॉम जोवीज. ये मैंने अभी ट्राई आउट नहीं किया है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द राइट टाइम मे बी टू ट्राई इट आउट. सो ये भी 100 ग्राम्स प्रोडक्ट है और ये 195 रुपीज़ का. ये डी टैन स्क्रब है और इसमें है ब्लैक प्लम और कैरक्यूमा. आई थिंक दैट्स वॉट इट इज, आई थिंक सो. इसमें जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, अगैन कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं है विच आई थिंक इज सैड. सो आपको अगैन यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है फॉर 195 रुपीज़. आई स्टिल हैव टू ट्राई इट आउट. इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी सिमिलर है वो जो क्रीम थी 30+ वाली उसके,
सो या दैट वॉज दैट. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ इज बायोटिका बायो सी वीड रिवाइटलाइजिंग एंटी फटीग आई जेल. आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट, इट इज अमेजिंग. आपको ये एक सस्ता सा अंडर आई जेल ढूंढ रहे हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू ट्राई दिस आउट. द ओनली थिंग इज कि ये पॉट है तो थोड़ा मेसी मेसी सा हो जाता है इसमें से. ओह That's what I was talking about. So, सामान निकाल के अप्लाई करना. I wish ये ट्यूब फॉर्म में होता तो ईजी होता अप्लाई करना. Apart from that, I have nothing bad to say about it. I love seaweed products. मैंने Aroma Magic का seaweed hydrating face pack try out किया था. I just loved it and I'm loving this one as well, like equally. And this is like very inexpensive also. ये सिर्फ 199 rupees का है और आपको मिल जाता है यहाँ पर 15 grams of product which is going to last you ages. Like trust me, it is going to last you ages. क्योंकि आपको बहुत छोटा सा एक literally एक छोटी सी drop चाहिए होती है under eye में apply करने के लिए. So आप इसको under eye में apply करिए, अपनी lids पर apply करिए एंड यू विल फील अ डिफरेंस. अगर आपको पफी आइज की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन को भी कम करता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करता. आई डू नॉट से कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी पिगमेंटेशन को एकदम से खत्म कर देगा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम येस इट माइट शो, बट इमीडिएटली ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप लगाओगे और एकदम से आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी. नो, दैट नेवर हैपन्स. बट येस, आपकी जो अंडर आई में ड्राइनेस है, फटीग है, जो लैग आ जाता है, लाइक स्किन जो है लटक जाती है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद ऑल दोज इशूज बट नॉट विद द पिगमेंटेशन. वो ओवर द टाइम जाएगी, रातों रात नहीं जाएगी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फॉर माई अंडर आईज इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम. मैंने ना फॉरन यूट्यूबर्स को देखा था एंड सम इंडियन यूट्यूबर्स एज वेल, जो अंडर आई में पहले आई पैड लगाते थे एंड देन देल डू दियर मेकअप एंड देन उसको रिमूव कर देंगे सो दैट देयर अंडर आईज बिकम हाइड्रेटेड. सो आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ एंड दिस इज हिप हॉप अंडर आई पैड्स. हिप हॉप इज अ वेरी वेल नोन इंडियन ब्रांड. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते थे देन ओह माय गॉड, वेयर वर यू, कम बैक. ओके, सो हिप हॉप इज़ अ वेरी वेल नोन इंडियन ब्रांड. सो मैंने ये अंडर आई पैड्स लिए हैं. इसमें आपको मिल जाते हैं 5x2 अंडर आई पैड्स एंड 1 सूदिंग जेल. एक ट्यूब होती है सूदिंग जेल की, लेट मी जस्ट शो यू. सो दिस इज़ योर सूदिंग जेल. तो आप जब अपना अंडर आई पैड रिमूव करते हो तो आप इस जेल को अप्लाई कर लो एंड देन यू गेट 5 ऑफ दीज पाउचेज, जिसमें 2 पैड्स होते हैं फॉर बोथ योर आईज. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कोई ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. दिस होल बॉक्स इज एक्चुअली फॉर जस्ट 195 रुपीज़. सो यू आर गेटिंग 5 अंडर आई पैड्स फॉर जस्ट 195 रुपीज़. मतलब मैंने अभी तक सिर्फ इसीलिए ट्राई आउट नहीं किया था, मुझे लगा था बहुत महंगे आते हैं, बट नाउ आई नो दे आर नॉट एक्सपेंसिव. सो या आई कैन नॉट ट्राई दैम. नेक्स्ट आई गॉट फॉर माई सेल्फ आर दीज फेशियल वैक्सिंग स्ट्रिप्स. येस आई नो, ये फेशियल वैक्सिंग स्ट्रिप्स है. आई गॉट देम फॉर माई अपर लिप. बेसिकली मेरे फेस पे वैसे आप देखोगे तो आई डोंट हैव मच ऑफ द हेयर. जो है वो बहुत ही गोल्डन कलर का है सो इट डजेंट शो अप अ लॉट. बट जो अपर लिप है उस पर जो हेयर है वो ब्लैक है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग. मैं वैक्स ही करवाती हूँ बिकॉज थ्रेडिंग में ना बार बार तिल तिल के मरने से बेहतर है एक बार में मर जाओ. सो आई गो फॉर वैक्सिंग और इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ टू ट्राई इट आउट. अभी मैंने नहीं किया. डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू सी मी ट्राई इट आउट ऑन कैमरा. लाइक दैट वुड बी रियली फन प्रॉब्लम. लाइक दैट्स वॉट आई फील इट वुड बी फन. कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि शुड आई ट्राई दिस आउट ऑन कैमरा बिकॉज आई हैवन ट्राइड इट आउट एंड आई आई एम श्योर ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होने वाला है. सो दैट वॉज द अनदर थिंग. एंड देन आई गॉट 2 प्रोडक्ट्स फॉर माई हेयर एज वेल. सो आई गॉट दिस जोवीज हेयर सोल्यूशन हेयर ग्रोथ आर्गन कर्नल ऑयल. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें है ऑलिव एंड आंवला एंड दिस इज़ की कम्प्लीट केयर ट्रीटमेंट ऑयल है. एंड इसमें जो इंग्रीडियंट्स अगेन एक्टिव इंग्रीडियंट्स ही पीछे मैंशन है. इसकी जो स्मेल है ना वो शांति आंवला या यू नो जो आंवला तेल आता था ना उसके जैसी है. लाइक द बॉटल ऑफ इट लुक्स सो एक्सपेंसिव है ना. सो दैट्स अ रीज़न आई गॉट इट. मैंने अगर नहीं लगाया तो मे भी डुबू के लगा दूंगी. बट हाँ, मैं इसको ट्राई तो कर रही हूँ. आई विल टेल यू गाइज माई वर्डिक्ट अबाउट दिस इन सम ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज़. बट इसका जो है क्लेम्स ये हैं कि ये सारे हेयर टाइप्स के लिए हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, फॉल लेस करता है और भी फलाना दिमाका बहुत सारी चीज़ें हैं. दिस इज़ फॉर 280 रुपीज़ और आपको मिल जाता है सिर्फ 100 ml ऑफ प्रोडक्ट. द ओनली रीज़न आई पिक्ड इट अप वॉज बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. सो next and the last product that I have is the Jovi's hair serum because I did not had any hair serum. मैं आर्गन ऑयल की 2 ड्रॉप्स जो अपने हेयर में यूज़ करी थी. सो आई थॉट इट हैज़ बिन रियली लॉन्ग जब मैंने लास्ट हेयर सीरम यूज़ किया था. सो आई पिक दिस अप. इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है. इसकी स्मेल जो है मेरे को
पता नहीं किसी अजीब सी चीज़ की याद दिलाती है. लाइक स्मेल जो है वो बहुत ओवर पावरिंग है. आई डोंट रिमेंबर द स्मेल बट इट इज़ वेरी यू नो नोन टू मी. ये जो प्रोडक्ट है ये है 160 ml और आपको मिल जाता है 320 rupees का. द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज़ प्रिटी गुड. द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज़ प्रिटी गुड बट स्मेल इज़ लाइक जब मैं अप्लाई करती हूँ ना इट जस्ट थ्रोज मी ऑफ बट इट गोज अवे सो आई कैन स्टिल यूज इट राइट. सो या दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस हॉल वीडियो. आई होप आपको ये स्किन केयर हेयर केयर हॉल पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर बाय.